ये कहा जाता है कि चिकनगुनिया एक वायरस है जो कि बुखार, तेजी से आना, घुटने में दर्द, ये इसका लक्षण है। जिस तरह से आज देखा जाए तो वाराणसी में न सरकारी हॉस्पिटल में जगह पैर रखने की है और न ही प्राइवेट में है। सुबह से शाम तक कतारें लगी रहती है, लोगों का जीना हुआ मुश्किल। चलिए हम जानते हैं यहाँ के मरीजों के कि आप कितनी समय से वाराणसी ज़िले में जो कफिल चौरा के हाल है, आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि लोग सुबह 8 बजे से यहाँ पे लाइन में खड़े हैं, लेकिन अभी तक इन लोगों का नंबर नहीं आया। क्या दिक्कत है आप लोगों को, थोड़ा बताएंगे? वही बुखार है, कैंसर, वही को दिक्कत है। वही दिक्कत है, तो क्या लग रहा है कब तक नंबर आएगा? अभी काफ़ी लंबी लाइन है। हाँ, देखिए कब नंबर आता है पता है। बुखार आवत है, चक्कर आवत है, भी दर्द भी हो रहा है, पूरा पूरा दर्द भी हो रहा है। दवा लेने के लिए लाइन में है। क्या दिक्कत थी, बुखार उखार आ रहा था कि? पैर में दर्द है भैया। अच्छा, इनके देह में जलन है, मरद का। अब तो ती बुखार पहले से ही आता था कि मतलब एक बार घुटने में दर्द होने लगा? घुटने में दर्द ना हो तो मास्क लो, थोड़ा जितना है ना, एक जाँच कराओ। हड्डी वाले डॉक्टर को यहाँ पे नहीं जांच कराए थे? चोला बहुत कराए थे, कौन से कर। अब तो ये देख रहा है ऐसा सिस्टम हो गया है, पहले तो आओ पर्चा बनवाओ तुरंत दिखाओ चले जाओ। अब क्या बदलाव हो गया? बदलाव ये है कि ऑनलाइन करना, जिसको ऑनलाइन नहीं करने आएगा, जिसके पास फोन नहीं रहेगा, तो उसका तो नंबर लगेगा ही नहीं। तो ऐसे कुछ दिक्कत हो रही है आप लोगों को? दिक्कत तो वही है इस तरह, भाई हम लोग को तो नहीं ना आता है ऑनलाइन करने, तो हम लोग कैसे पर्चा बनवाएंगे? तो ऐसे में समय भी ज़्यादा लग जाता है, एक दिन में हो जाता है? अरे एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में होगा ना, पर्चा तो मिलेगा ना क्या? वैसे तो ऑनलाइन हम लोग को थोड़ी ना आएगा कि हम ऑनलाइन करेंगे, वो तो दूसरे का दिन में होगा, दूसरा कोई करेगा तब होगा। तो आप भी दिखाने के लिए आए थे? हम भी दिखाने आए, मेरा ही पैर दिखाने हो गया। क्या दिक्कत है आपको? पैर में दर्द है, उंगली उंगली में दर्द है। तो कितने का दवा मिल जाता है प्राइवेट में और यहाँ आने से? प्राइवेट में जाइएगा तो एक बार में कम से कम 1000 रुपया लग जाएगा, हफ्ता भर की दवा। अब यहाँ पे तो आपको फ्री सेवा है, थोड़ा सा समय देना होता है बस। देखिए मतलब इस समय संचारी रोग जो तमाम फैले हुए हैं और ये पिछले 1.5 महीने से इनका प्रकोप बना हुआ है, इसमें तमाम बीमारियाँ हैं, खास करके डेंगू का प्रकोप सबसे ज़्यादा है, साथ साथ टाइफाइड का लीजिए और मलेरिया के साथ साथ चिकनगुनिया के भी पेशेंट्स हैं, मिल रहे हैं। अब शुरुआती दौर में इसमें लोगों को बुखार आ रहा है, तेज़ बुखार आ रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, पूरे शरीर में दर्द हो रहा है और साथ साथ तमाम ऐसे मरीज मिल रहे हैं जिनके कि जोड़ों में भी दर्द हो रहा है। तो जोड़ों के दर्द से लोग पिछले 15 दिन से स्थिति है कि बहुत अच्छे खासे मरीज ऐसे मिल रहे हैं कि इनको बुखार तो कम है लेकिन जोड़ जोड़ का दर्द बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में हम लोग उनकी जांच कराते हैं यहाँ पे, और जांच कराने के बाद जो कुछ निकलता है उसके हिसाब से हम यहाँ पे इलाज करते हैं। और जहाँ तक हमारे ब्लॉक की बात है तो फीवर के प्रतिदिन अच्छे खासे पेशेंट आ रहे हैं। जैसे मैं परसों की बात करूँ, शनिवार की बात करूँ, तो उस दिन 55 फीवर के केसेस थे और उसमें डेंगू के 5 पॉजिटिव हुए थे। और इस तरह से कुल मिला के अब तक हमारे यहाँ 42 केस डेंगू के पॉजिटिव आ चुके हैं, जिनका कि इलाज हम खुद भर्ती करके अपने यहाँ कर रहे हैं। जो भी उनको ज़रूरतें पड़ रही हैं, हमने अलग से डेंगू वार्ड बना रखा है जिसमें कि 10 बेड पड़े हुए हैं, और जो डेंगू के मरीज हैं उनको मच्छरदानी के साथ सेपरेट हम लोग वहाँ पर भर्ती कर रहे हैं, उनका इलाज कर रहे हैं, जब मरीज़ ठीक हो जा रहे हैं तो उनको डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो इस तरह से एक ये भी अच्छी बात है कि हम अपने जो मरीज़ हैं हमारे यहाँ के, हम इनको रेफ़र नहीं कर रहे हैं डेंगू पे या बुखार से जो भी पीड़ित हैं, हम हमारे यहाँ खुद सुविधा हमने उपलब्ध कराई है। और जहाँ तक चूँकि अस्पताल हमारा 30 बेड का है लेकिन मरीजों की संख्या ज़्यादा हो गई है, तो हम लोगों ने एक्स्ट्रा फोल्डिंग चारपाई और गद्दा खरीद रखा है। जो भी हमारे मरीज एक्स्ट्रा हो रहे हैं उनको हम सुविधा दे रहे हैं, डेंगू वार्ड में सुविधा दे रहे हैं या जनरल वार्ड में ज़रूरत पड़े तो वहाँ पे सुविधा दे रहे हैं। इस तरह से हमारे ब्लॉक से रेफरल, जो कि अगर हम यहाँ से रेफ़र करते तो जिला पे लोड पड़ता, जिला अस्पताल पे लोड पड़ता, तो उस लोड
लोड कम हो रहा है और हम लोग खुद ट्रीट कर रहे हैं। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।